हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी जन्माष्टमी। तो आज के वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस की। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं क्या कुछ है नया इस डिवाइस में। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ यहां पर है आपके एक फ़ोन का पिक्चर, जहां पर मेंशन है 6000 mAh बैटरी और यहां पर है 3GB RAM 32GB इंटरनल स्टोरेज। पीछे की तरफ कुछ फीचर्स मेंशन किए गए हैं, जैसे कि 6.82 इंच HD+ डिस्प्ले, 3 डे बैटरी लाइफ, फेस एंड फिंगरप्रिंट अनलॉक, सेल्फी कैमरा विथ फ्लैश 8 MP और AI डुअल रेयर कैमरा सेटअप 13 MP। बाकी इसमें आपको XOS 6.2 का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है और ये मेड इन इंडिया है। तो खोलते हैं इस बॉक्स को और चलते हैं बॉक्स के अंदर। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ यहाँ पर है हमारा मेन डिवाइस, जहाँ पर वही कुछ हाईलाइट्स मेंशन की गई है। तो इसको रखते हैं अभी फिलहाल साइड में और चलते हैं बॉक्स के अंदर। तो बॉक्स के अंदर आपको एक चार्जिंग डॉक देखने के लिए मिलता है, जो कि 5 वोल्ट आउटपुट वाला है। बाकी अगर बात करें इसके चार्जिंग केबल की, तो इसमें आपको माइक्रो USB पोर्ट वाला चार्जिंग केबल देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर है एक सिम इंजेक्टर टूल, कुछ पेपर वर्क्स और एक सॉफ्ट सिलिकॉन केस। तो रखते हैं अभी इन सभी चीज़ों को साइड में और चलते हैं हमारे मेन डिवाइस की तरफ। तो जल्दी से हटाते हैं इसके ऊपर के रैपर को। पीछे की तरफ यहां पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिलता है, नीचे है इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग और यहां पर है डुअल कैमरा सेटअप, जिसमें पहला कैमरा है वो है 13 MP का और दूसरा कैमरा है वो है डेप्थ सेंसिंग के लिए। यहां पर है डुअल LED फ्लैश। ऊपर की तरफ आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता है। इस तरफ में सिम ट्रे है, जहां पर आप 2 SIM+ मेमोरी कार्ड तीनों एक साथ यूज कर सकते हैं। नीचे की तरफ प्राइमरी माइक्रोफोन, माइक्रो USB पोर्ट और 3.5mm जैक देखने के लिए मिलता है। इस तरफ में यहाँ पर वॉल्यूम रॉकर्स है और नीचे पावर ऑन ऑफ बटन है। बाकी इसमें आपको 6.82 इंच की IPS LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, जो कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी बड़ी है, जो कि आपको ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए काफ़ी काम आ सकती है। बाकी अगर बात करें इसके एंड्रॉयड वर्जन की, तो इसमें आपको एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको MediaTek Helio A25 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, जो कि 1.5 GHz ऑक्टाकोर के साथ आता है। बाकी अगर बात करें इसकी बैटरी की, तो इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलती है। कैमरा मोड्स में आपको इसमें वीडियो, AI, ब्यूटी, बोहेक, AR शॉट्स, पैनोरामा, कई सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं। बाकी इसके कैप्चर किए हुए कुछ फोटोज़ मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। बाकी अगर बात करें इसके फ्रंट कैमरा की, तो इसमें आपको 8 MP का फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिलता है। बाकी अगर बात करें इसकी प्राइस की, तो ये आपको 7999 रुपीज़ में मिलेगा। बाकी अगर बात करें इसके नोटिफिकेशन पैनल की, इसमें आपको वाईफाई, ब्लूटूथ, फ्लैशलाइट, डेटा कनेक्शन, एरोप्लेन मोड, स्विच डेटा, सिम कार्ड, डू नॉट डिस्टर्ब, ऑटो रोटेट, गेम मोड, डार्क मोड, स्क्रीनशॉट, हॉटस्पॉट, लोकेशन, आई केयर, डेटा सेवर, बाइक मोड, साइलेंट स्क्रीन रिकॉर्डर, बैटरी सेवर, वन हैंड मोड और व्हाट्सएप मोड, ये सारे फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। बात करें इसके बायोमेट्रिक सिक्योरिटी की, तो इसमें आपको फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों देखने के लिए मिलते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर पीछे की तरफ है, जो कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। फेस अनलॉक, काफ़ी बढ़िया है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। बाकी अगर बात करें इसके गेम परफॉर्मेंस की, तो इसमें आप स्मूथ और लो पर खेल पाएंगे, बैलेंस और मीडियम करने पर गेम थोड़ी सी लैग होती है। तो यहाँ पर हमारी गेम हो चुकी है स्टार्ट। बाकी डिस्प्ले कलर्स काफी मस्त है। तो ये है कुछ गेमिंग प्रूफ। हालांकि ये पबजी मोबाइल है, लेकिन आप इसमें पबजी मोबाइल लाइट बड़ी आसानी से और काफी सही ग्राफिक्स पर खेल पाएंगे।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता है ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।